हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज फाइंड करना। यदि आपने इसे पहले के वीडियो देखा है तो मैंने कंप्लीट डोमेन रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और हर फंक्शन पर, जितने फंक्शन पर डोमेन रेंज फाइंड होते हैं, सब पर मैंने आपको डोमेन रेंज फाइंड करके बताया। आज हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एक्सरसाइज करने से क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अपन डोमेन फाइंड करते हैं कुछ क्वेश्चन में। फाइंड डोमेन, डोमेन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत। हिंदी में अपन बोलते हैं इसको प्रांत। फाइंड डोमेन हमारा क्वेश्चन है कि हमको डोमेन फाइंड करना है, फिर कुछ क्वेश्चन का अपन रेंज भी फाइंड करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में डोमेन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन में लिया फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर है इसका, हर है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। अब इस फंक्शन का हमको डोमेन फाइंड करना है। देखिए, कभी भी हमको जब फंक्शन मिले तो पहला काम यह है कि हमको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है कि वह किस तरह का फंक्शन है। तो नेचुरली आप यहाँ पर देख रहे हो कि फंक्शन क्या है, p अपान q के फॉर्म में है। और जब यह p अपान q के फॉर्म में होता है तो यह रेशनल फंक्शन होता है, परिमेय फलन होता है। और परिमेय फलन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसका जो हर है, यह जो q है, वह नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हर शून्य के बराबर हो गया तो पूरा जो परिमेय संख्या है अनंत हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से इसको जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? देयरफॉर ये क्यू का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व, इसको जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड इफ फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। कब? जब ये क्या हो जाए? शून्य हो जाए। फंक्शन परिभाषित नहीं होगा लिख रहा हूं ना मैं, या नॉट इक्वल भी लिख सकते हैं अपन, जीरो। अब यहां पर हमको क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है, ताकि हमको एक्स के दो वैल्यू प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के दो मान प्राप्त होंगे। तो दो अलग अलग मान ऐसे होंगे जिनके लिए यह फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। तो इसको हम फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म्स स्प्लिट करके, बीच के पद को तोड़ के, तो क्या हो जाएगा? माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स ट्वेल्व, है ना? तो एट एक्स आना है इसको, तो ऐसा हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। छः दूनी बारह और माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स एट एक्स हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको पेयर बना के एक्स कामन करें तो हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स, और यहाँ से माइनस टू कामन करें एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसके दो फैक्टर मिले, देयरफॉर एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो आर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू सिक्स आर एक्स इक्वल टू टू। इनके लिए ये फंक्शन परिभाषित नहीं है। और डोमेन का मतलब होता है परिभाषित मानों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल डिफाइंड वैल्यूज। तो इन दोनों के लिए परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित किसके लिए होगा? देयरफॉर इसका डोमेन हो जाएगा आर, मतलब आर रियल नंबर। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। जितने स्टूडेंट सीधा इस वीडियो पर एंट्री किए हैं उनको मेरा सजेशन है कि पहले मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं डोमेन रेंज का पढ़ाया वो फंक्शन के वीडियो आप पहले देखिए, ठीक है? तो r माइनस, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट आपको इस तरह से लगाना है, कर्ली ब्रैकेट सर्पाकार को लगाना है, टू और सिक्स, ये डोमेन होगा। क्यों डोमेन होगा? क्योंकि r मतलब हो गया सभी वास्तविक संख्याएँ, r रियल नंबर्स। और r रियल नंबर्स में दो नंबर ऐसे हैं टू और सिक्स जिसके लिए यह फंक्शन परिभाषित नहीं है। तो इन दोनों वैल्यू को यदि हम रियल नंबर से हटा दें तो जो बचेगा
वो सब के लिए फलन परिभाषित होगा और वही क्या होगा, इसका डोमेन होगा। तो ये बहुत आसान है, इस तरह से और क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको कि जितना भी परिमेय फलन है, देखो डोमेन रेंज की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें यदि एक फंक्शन के डोमेन निकालने का मेथड आपको क्लियर हो गया तो वैसे बहुत से क्वेश्चन आप उसी मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ पर तैयारी कैसे करनी चाहिए फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि इस तरह के फंक्शन का डोमेन ऐसे निकालेंगे, इस तरह के फंक्शन का डोमेन इस तरह से निकालेंगे, क्लियर। चलिए तो अब आगे देखते हैं अपन। वैसे जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाएंगे क्वेश्चन में, आई आई टी जेई के लेवल पर यदि अपन मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करेंगे तो डोमेन के और बहुत से क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर जाएंगे। अभी मैं आपको आपके 11, 12 स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन आपको करा दूं पहले, उसके बाद हम आईआईटी के लिए जो स्पेशल कलेक्शन देंगे वहां पर क्वेश्चन की स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए इसमें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन। पहले आपको इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि डोमेन रेंज में क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रूट ऑफ एक्स माइनस वन रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ सिक्स माइनस एक्स, यहां आपको डोमेन फाइंड करना है। देखो तो यहां पर क्या है, वर्गमूल फलन है, रूट फंक्शन है और दो रूट फंक्शन है ये और ये। तो आपको मालूम है रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री मैंने आपको पढ़ाया था। रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अंडर रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यदि उसका मान शून्य से कम हो गया तो रूट के अंदर यदि मान शून्य से कम हो गया तो निगेटिव नंबर हो जाएगा और निगेटिव नंबर के रूट फाइंड नहीं होते, रियल रूट फाइंड नहीं होते, वो इमेजनरी नंबर हो जाता है, अधिकल्पित राशि हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, therefore x माइनस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, इसको जीरो के इक्वल हो सकता है क्योंकि जीरो का रूट रियल होता है, एंड प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे एंड सिक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। दैट इंप्लाइज आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एंड यहाँ पर हो जाएगा सिक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। Therefore, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो वैल्यू मिले वन और सिक्स, ये कंडीशन क्या कहता है कि x का वैल्यू एक से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो therefore इसका जो डोमेन होगा एक से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन सिक्स क्या होगा उससे छोटा, इसको हम इस क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू सिक्स भी लिखा जा सकता है, मतलब x का मान क्या होगा छः से छोटा या बराबर हो सकता है। तो सिक्स और इधर भी क्या होगा इस तरह से, मतलब ये इंटरवल क्या होगा क्लोज्ड, ये इंटरवल को बराबर लगाना बहुत जरूरी है, यदि आप इंटरवल गलत लगाएं तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पूछता है तो चार ऑप्शन में जो आंसर होता है उसमें इंटरवल्स चेंज होता है। जैसे इसी को सपोज एक ऑप्शन में इसी इंटरवल को ऐसा दे दिया 1.6 दे दिया, इसी को दे दिया 1.6 और इसको दे दिया 1.6, तो सब वन और सिक्स हैं, लेकिन सही आंसर ये है क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरवल लगता है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको इंटरवल ही समझाया था, ठीक है। तो प्रॉपर इंटरवल लगाना है, क्लोज्ड है कि ओपन है कि सेमी क्लोज्ड है, सेमी ओपन है, बंद खुला, अर्ध बंद अर्ध खुला, ये आपको बराबर लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का डोमेन रेंज जो कि बहुत ही आसान है, 1 और 6। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डबल कॉन्सेप्ट है, दो दो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल 1 upon root of 1 minus x, x minus 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है रूट फंक्शन, लेकिन ये सिर्फ वर्गमूल फलन नहीं है, उसके साथ साथ परिमेय फलन भी है, क्योंकि जो रूट है वो एक बटे नीचे है, हर में है, मतलब क्यू के फॉर्म में है, इसलिए क्या है परिमेय फलन है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है,
एक कॉन्सेप्ट इसको समझाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। सपोज कहीं पर लिखा है x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x ग्रेटर देन जीरो एंड, ये वर्ड को ध्यान रखना, एंड नॉट आर, एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x और y का जो गुणा है वो शून्य से बड़ा होगा, मतलब धनात्मक होगा। इसका मतलब दोनों धनात्मक होंगे, x भी धनात्मक होगा y भी धनात्मक होगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। r इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? r इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन जीरो एंड y इज लेस देन जीरो, ऐसा भी लिख सकते हैं, यह भी सत्य है। तो दोनों क्यों सत्य है? क्योंकि यदि दोनों प्लस होंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और यदि दोनों माइनस हों, x लेस देन जीरो हो और y लेस देन जीरो हो, मतलब दोनों निगेटिव हो, तब भी प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस जीरो। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आता है ना, ये बात आप ध्यान में रखना कि किसी भी दो वेरिएबल का यदि प्रोडक्ट शून्य से बड़ा है तो दोनों धनात्मक होते हैं या तो दोनों ऋणात्मक होते हैं। इस बात को लेकर यहाँ पर हम बात करें तो देयरफॉर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये रूट फंक्शन है, इसलिए वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आर इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि खाली वर्गमूल फलन होता, यदि वो सिर्फ वर्गमूल फलन होता तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता, लेकिन क्या है? एक बट्टे में है, नीचे में है, इसलिए ऐसा रहेगा। तो एंड एक्स माइनस टू इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, दैट इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स, तो वन इस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दूं तो वन इज ग्रेटर देन एक्स एंड वन इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू, ये हो गया रिलेशन फर्स्ट। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? आर, एक कंडीशन ये हो गया, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है वो ये है, ये जो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स माइनस टू इज आल्सो लेस देन जीरो, ये दोनों जीरो से छोटे हो जाएंगे। दैट इम्प्लाइज 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन टू, ये सेकंड नंबर कंडीशन। अब यदि हम दोनों कंडीशन को कंबाइन करके लिखें, ठीक है, यदि दोनों कंडीशन को हम कंबाइन करके लिखें तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, ये और ये दोनों क्या कहता है कि वन इज ग्रेटर देन एक्स, वन इज ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स को एक्स से छोटा होना चाहिए, एक्स का जो मान है वो एक्स से छोटा होगा, लेकिन यहाँ कहता है वन इज लेस देन एक्स, वन इज लेस देन एक्स, एक का मान एक्स से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, और एक्स ग्रेटर देन टू, यहाँ पर बोलता है एक्स लेस देन टू, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू का, यदि एक्स दो से बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में छोटा तो हो ही जाएगा। तो दोनों के यदि हम कंबाइंड कंडीशन को लिखें तो देयरफॉर इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा सबसे छोटा वैल्यू वन और सबसे बड़ा वैल्यू टू, और दोनों में क्या रहेगा? ओपन इंटरवल रहेगा। क्योंकि ओपन इंटरवल क्यों रहेगा? क्योंकि वन नहीं हो रहा है, वन से छोटा, एक्स का वैल्यू को वन से छोटा होना चाहिए, एक्स का वैल्यू को वन से छोटा होना चाहिए, और टू का वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या है? दो से छोटा होना चाहिए, माने बिटवीन वन एंड टू। इसका मतलब हुआ एक और दो के बीच, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो पूरे कंडीशन है, इस कंडीशन और इस कंडीशन को हम कंबाइन करें तो ये बताता है कि x का वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2 होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को छोड़ के, क्लियर? तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर इसको आप देखो, क्वेश्चन में आप चेक भी कर सकते हो, x से 2 के बीच के नंबर को यहाँ पर आप रख के देखो, यदि आपको कभी भी देखो, डोमेन रेंज का जो टॉपिक है वो बहुत लॉजिकल है, कई जगह स्टूडेंट समझ में नहीं पाता इस तरह की चीज़ों को कि कैसे हमने उसको किया है। तो सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ कि जो डोमेन आता है वो तो फंक्शन को डिफाइन करेगा, तो आप उसको वैल्यू को पुट अप करके देख सकते हो किस तरह से। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, देखो, यदि मैं यहाँ पर x का वैल्यू को एक और दो के बीच में रखूँ, एक और दो के बीच में x का वैल्यू को, माने x से बड़ा रखूँ, दो से छोटा रखूँ, तो क्या आएगा? ये ऋणात्मक आएगा, क्योंकि x का वैल्यू, सॉरी,
धनात्मक आएगा, क्योंकि जो x का मान है वन से माइनस होगा, सॉरी निगेटिव आएगा, क्योंकि x के मान को जब आप भरोगे वो एक और दो के बीच में होगा, माने x से बड़ा होगा, तो x से जब x से बड़ा राशि घटेगा तो माइनस आएगा। और यहाँ पर x के मान को आप रखोगे x से दो के बीच में यहाँ पर, तो डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है ना। तो x का मान को यदि मैं x से दो के बीच में, दो से छोटा रखूँ तो दो से छोटा रखूँ तो दो बड़ी राशि ये भी निगेटिव आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब डिफाइन हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है, आप इसको रख के देख सकते हो, फंक्शन में देख के आप अपने सेटिस्फेक्शन के देख सकते हो कि किस तरह से होता है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 1, 2 और इंटरवल ओपन। मैं अलग अलग इंटरवल का क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आंसर लिखने का आइडिया हो जाए कि कब क्लोज इंटरवल होता है, कब ओपन इंटरवल होता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया कॉन्सेप्ट है, फंक्शन अलग अलग है। वैसे इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सफिशियंट प्रैक्टिस करा दिया था, आज मैं इसको सिर्फ एक तरह से रिवीजन प्रैक्टिस की तरह करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 4 - x, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 4 - x प्लस 1/(x²-1), 1/√(x²-1)। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये जो आपका पहला पॉइंट है ये प्योर अंडर रूट फंक्शन है ये, और दूसरा फंक्शन है वो क्या है, रूट के साथ साथ क्या है, रेशनल है, परिमेय, इतना इंग्लिश पता होना चाहिए ना। तो रूट भी है और रेशनल भी है। तो यहाँ पर हम दो पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन में जब आंसर आता है फाइनल उसको यूनियन करके लिखा जाता है। एक नया चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें, मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। या बोर्ड को मैं ऐसा डिवाइड करके आपको ये वाले पार्ट में इसको और इसको ये वाले पार्ट में एंड करके, देखो बीच में प्लस है तो उसको हम एंड कहेंगे। तो 4 - x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आपको तो ये क्लियर है कि रूट फंक्शन को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो बहुत आसान है। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4 > x, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं x < r = 4, ऐसा लिख सकते हैं। उलट देने पर लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है। अब यहाँ पर देखो इसको हम देखें तो ये x² - 1 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू 0 हुआ तो ये परिमेय फलन है, अनंत हो जाएगा। तो x² यहीं पर ध्यान देना है कि कहाँ पर ग्रेटर देन लगाना है, कहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाना है, कहाँ पर लेस देन लगाना है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज इसको हम आगे सॉल्व करें तो x - 1 और x + 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम इसको फैक्टराइज कर दिए। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आ गया, देयरफॉर x - 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 1 इज ग्रेटर देन 0 आर ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, x - 1 इज लेस देन 0 एंड x + 1 इज लेस देन 0। अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया, यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो तो दो कंडीशन होता है, ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला, अभी मैंने आपको इसको समझाया है। दैट इम्प्लाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, x > 1 एंड x > -1, और ये क्या कहता है, आर x < 1 एंड x > -1। अब यहाँ पर आप देखो आपको दोनों कंडीशन को कंबाइन करना है, ये कॉन्सेप्ट ये तो हो गया। ये क्या कहता है कि इसका सबसे सीधा इसका सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, x < -1, x का वैल्यू को 1 से -1 से छोटा होना चाहिए, क्लियर। तो मैं इसके लिए डोमेन लिखूं कंबाइंड रूप से, तो x का वैल्यू < -1, तो -1 से छोटा कितना हो सकता है, यदि हम नंबर लाइन पर बात करें इस तरह से, ये 0 तो +1, 2 से लेके कहाँ तक, +∞ तक, इधर -1, -2 से लेके कहाँ तक, -∞ तक।
तो x का जो वैल्यू है माइनस वन से छोटा होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, इससे छोटा होना चाहिए इधर। तो कहाँ तक हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो इसके डोमेन में हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ध्यान रखना, क्लियर। से लेके कहाँ तक हो सकता है? माइनस वन तक, और माइनस वन नहीं हो सकता। माइनस वन यहाँ पर लेस देन है, आर इक्वल टू नहीं है, इससे दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप देखो यूनियन करेंगे इसके साथ में, और ये वाला कंडीशन क्या कहता है कि उसका वैल्यू मैक्सिमम एक्स इज ग्रेटर देन वन, मैक्सिमम कितना हो सकता है? वन हो सकता है। तो यहाँ पर फिर ये माइनस वन से वन इस तरह से होगा, लेकिन साथ में एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू फोर, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के मान को चार भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन चार से लेस, तो वन तक तो हो सकता है, इसको हमको चार तक एक्सटेंड करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, चार तक एक्सटेंड करके इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या आंसर दो फॉर्म में लिखा होगा तो दो रूप में लिख देता हूँ मैं इसका आंसर को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू फोर, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखा है, ये अलग से भी लिख सकते हैं इसको यूनियन करके अपन। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पर, ध्यान देखो, दोनों को जब आप कंबाइन आंसर लगाएंगे बनाएंगे, ये यूनियन का मतलब है कि इस पोर्शन और इस पोर्शन का कंबाइन। तो ये तो कहता है कि उसका वैल्यू मैक्सिमम वन हो सकता है, तो मैं यहाँ पर वन लिखा था, लेकिन उसके साथ में हम इसको यूनियन करें, तो यूनियन करें तो ये कहता है कि x का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? फोर तक जा सकता है, और फोर भी हो सकता है क्योंकि r इक्वल टू है। तो ये वाला इंटरवल क्या होगा? क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पर लेस देन r इक्वल टू है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है आंसर को प्रॉपर लिख पाना, क्योंकि डोमेन रेंज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और अपन आईआईटी के लेवल पर यदि इसके क्वेश्चन करें तो इसके क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है। अभी तो फर्स्ट स्टेज में, मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ कि पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर बाद में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ये फंक्शन, ये सब अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन, इसको आप अच्छे से करिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब एक आध क्वेश्चन हम रेंज पर निकाल कर देखते हैं। देखिए रेंज निकालना बहुत आसान है। एक आध क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, रेंज मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डोमेन निकाल के ये देखते हैं कि वो फंक्शन कितने रेंज के लिए परिभाषित है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं डोमेन रेंज दोनों फाइंड करने के लिए, तो वो है वन अपन एक्स माइनस थ्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशनल फंक्शन है, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोनों फाइंड करने हैं, सपोज डोमेन इन रेंज। तो हम निकालते हैं पहले डोमेन, तो ये तो परिमेय फलन है सीधा, आपको पता है x माइनस थ्री को क्या होना चाहिए, ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब x माइनस थ्री क्या हो, जीरो हो, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू थ्री हो, तो ये नॉट डिफाइन होगा, तो डिफाइन कम होगा। देयरफॉर डोमेन का मतलब होता है फिर r माइनस जो नॉट डिफाइंड है इसको उसमें से क्या कर दो, हटा दो, तो ये डोमेन हो गया। डोमेन बहुत आसान है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं रेंज। ये रेंज निकालने को आप ध्यान से समझना, रेंज निकालने के लिए हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, वाई के फंक्शन इक्वल होता है। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, हम जानते हैं वाई एक्स का एक फलन होता है, तो दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे इसको हम सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और y को इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो x माइनस थ्री इक्वल टू वन अपॉन वाई, दैट इम्प्लाइज यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वाई प्लस थ्री, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू ये हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो y एलसीएम आएगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री वाई प्लस वन अपॉन वाई, क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे रेशनल नंबर वाला कि y को क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये फंक्शन ये कब डिफाइन होगा, जब y क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, y नॉट इक्वल टू जीरो हो,
मतलब ये y का वैल्यू यदि जीरो हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो y को नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो फिर इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज r रियल नंबर में हम माइनस कर देंगे किसको, जीरो को, क्योंकि जीरो को छोड़ के सब के लिए डिफाइन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हम डोमेन फाइंड करते हैं उसी प्रकार से रेंज फाइंड करते हैं, लेकिन उसको किसके लिए फाइंड करते हैं, y लेके x के लिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चन। आप और इसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन डोमेन रेंज की, और इसके तो क्वेश्चन बहुत हैं, आप अपने बुक से प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। बाद में मैं जब जेई के लेवल पर क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं अलग से इसका अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।